गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सभी। अजय क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्या इनमें से कोई सही है तो क्या आप कुछ बता सकते हो? अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप लोग जो भी पहले से जानते हो रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जो भी जानते हो उसका यूज करके क्या एक बार मुझे बता सकते हो कि इनमें से कोई सेंटेंस सही है या गलत है, ऐसा कुछ बता सकते हो? कोशिश करो। माय अंकल हु इज अ टीचर गेव मी दिस वॉच। माय अंकल हु इज अ टीचर गेव मी दिस वॉच। कॉमा है, वहां पे कॉमा नहीं है, ठीक है। माय फादर हु इज अ टीचर गेव मी दिस वॉच। माय फादर हु इज अ टीचर गेव मी दिस वॉच। चलो पढ़ो और बताओ। ये चारों सेंटेंसेस पढ़िए और चारों सेंटेंस पढ़कर बताइए इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। अब देखो सभी लोग एक बार ध्यान से देखना, बताया किसी ने कुछ? चलो अब सुनो ध्यान से, जितना आप जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते ध्यान से सीखना, जो मैं बोलूंगा उसको सुनना। ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे ना बच्चों, इनमें आप देखोगे कि ये जो हमने लिखा हु इज अ टीचर और ये जो लिखा हु इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं। ये तो समझ में आया होगा जो मैंने कहा। ये अंडरलाइन जो मैंने आपके लिए सेंटेंस में पार्ट किया है, ये अंडरलाइन पार्ट सेंटेंस में यूज हो रही सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है। और इस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज में जो हमने कनेक्टिंग वर्ड यूज किया वो हु है। हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो नहीं सकता क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ऐसी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस जिनका कनेक्टिंग वर्ड कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉजेस। तो हु इज अ टीचर एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। हु इज अ टीचर एक कैसी क्लॉज है बच्चे? ये एक रिलेटिव क्लॉज है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो जो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज बनाते हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई रिलेटिव क्लॉज लिखते हैं, मैं इस बात को कहाँ लिखूं, देखो यहां लिख देता हूं, रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं ये एडजेक्टिव होती हैं। इनका फंक्शन जो होता है सेंटेंस में वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का होता है, तो इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप पहले से नहीं जानते हैं बात तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि रिलेटिव क्लॉजेस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है। तो एक चीज आपने सीखी क्या, रिलेटिव क्लॉजेस क्या होती हैं। चलो अब दूसरी चीज सीखो, रिलेटिव क्लॉजेस हमेशा सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई जानकारी देने के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज की जाती हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज की जाती हैं वो नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज से पहले लिखा होता है और उसे हम रिलेटिव क्लॉज का एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक। तो ये जो हमने यहाँ पे माय अंकल लिखा ना, ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज हु इज अ टीचर। यहां पर भी एंटीसीडेंट माय अंकल है, यहां पर भी एंटीसीडेंट माय अंकल है, नहीं माय फादर है, और यहां पे एंटीसीडेंट माय फादर है। ठीक है, समझ में आया? तो जो रिलेटिव क्लॉज है हमारे सेंटेंस में उसको छोड़कर जो लिखा हुआ है सेंटेंस वो मेन क्लॉज है। माय अंकल गेव मी दिस वॉच, माय फादर गेव मी दिस वॉच, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। तो जो हमारे रिलेटिव क्लॉज का एंटीसीडेंट है माय अंकल माय फादर, वो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ, सबको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ जो हम रिलेटिव क्लॉजेस, जो हम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस बनाते हैं उन्हें हम रिलेटिव क्लॉजेस कहते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है। और रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए सेंटेंस में यूज की जाती हैं उसको हम उस रिलेटिव क्लॉज का या कई बार रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब तो पूर्ववर्ती, जो पहले लिखा गया है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी। ये यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब इसके आगे कहानी सुनो। अभी जो हमारी रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं दो तरीके की होती हैं, रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं ना बच्चे वो होते हैं दो तरीके की। एक होती है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है, एक होते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। और एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस।
तो हमारी जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं बच्चों, ये दो तरीके की होती हैं, एक होते हैं डिफाइनिंग और एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग। अच्छा, जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, इनका एक और भी नाम होता है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का एक नाम और भी होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव लिखने में बोलने में थोड़ा सा मतलब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के मुकाबले मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं उस वर्ड को यूज नहीं करता। बस बता दिया अपना ध्यान रखना कि डिफाइनिंग का मतलब रिस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग का मतलब नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। तो हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के फिलहाल में कहेंगे। तो जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डिफाइनिंग और एक नॉन डिफाइनिंग। अब रह गई बात है कि हमें पता कैसे चलता है कोई क्लॉज डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग, तो आसान है कॉमास से। जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं ना, वो कॉमास के साथ लिखी जाती हैं, ठीक है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस बिना कॉमा के लिखी जाती हैं। तो जैसे आप देखोगे तो सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 4 में जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी उसके साथ कॉमास लगाए हैं तो वो नॉन डिफाइनिंग है, और जिसके साथ कॉमा नहीं लगाए वो डिफाइनिंग है, ठीक है। तो अब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दो तरीके की रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, कैसे उनको हम पहचानते हैं आपको समझ में आ गया। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस बिना कॉमा के लिखी जाती हैं और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कॉमा के साथ लिखी जाती हैं, ये भी पता चल गया। चलो अब इसके आगे बढ़ो, इनका काम क्या होता है भाई, डिफाइनिंग का काम क्या, नॉन डिफाइनिंग का काम क्या, ये समझ लेते हैं। तो देखो जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं इनका काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटीसीडेंट, ठीक है। ये एंटीसीडेंट का आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए यूज होती हैं। जो हमारा एंटीसीडेंट है जिसके लिए हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है उसका आइडेंटिफिकेशन कराती हैं, विच वन का रिप्लाई होती हैं। तो जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का काम होता है एंटीसीडेंट का आइडेंटिफिकेशन कराना, पता चले कि कौन है वो, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस का मतलब होता है एलेबोरेशन या कह लो डिस्क्रिप्शन। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो डिस्क्रिप्शन होती हैं एंटीसीडेंट का, वो उसको डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल हमें जानकारी देती हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं। लेकिन जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो एंटीसीडेंट का आइडेंटिफिकेशन कराती हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और नॉन डिफाइनिंग से हमें पता चलता है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा है, ये समझना है। तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं एंटीसीडेंट के बारे में। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं अपने एंटीसीडेंट के बारे में। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ना, सब थ्योरी थी, सबको याद रखना था, सबने याद रख लिया होगा। अब काम की बात करते हैं, काम की बात समझना। जैसे हमने माई अंकल एंटीसीडेंट के साथ में यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज लिखी, यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग लिखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या हुआ वो समझना। जैसे हमने लिखा माई अंकल हु इज अ टीचर, तो इसका मतलब हो गया मेरे वो अंकल जो टीचर हैं उन्होंने मुझे ये वॉच दिया, तो ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन से वाले अंकल जो टीचर हैं वो। तो सीधा सा मतलब ये निकला कि अंकल और भी होंगे लेकिन उन अंकल्स में से जो टीचर हैं उन वाले अंकल ने मुझे वॉच दिया। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई पर्सन है उसके बहुत से अंकल हैं, तो उनमें से कोई एक अंकल टीचर भी हैं, तो वो वाले अंकल जो टीचर हैं उन्होंने ये वॉच दिए, तो ऐसा बताना है तो आपको डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी, तो ये सही है। फिर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंकल एक ही हैं, अब किसी के बहुत से अंकल हैं और उनमें से किसी एक अंकल को रेफर करना है तो उसको आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि कौन से अंकल की बात कर रहा है। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंकल एक ही हैं, बहुत से अंकल हैं ही नहीं, तो फिर वो क्यों आइडेंटिफाई कराएगा कौन से वाले अंकल, तो वो उनके लिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखेगा। तो जो हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखी तो इसका मतलब है कि मेरे अंकल ने मुझे वॉच दी और वो एक टीचर है, तो टीचर होना अंकल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हु इज अ टीचर लिखकर हम पहचान नहीं कर रहे कौन से वाले अंकल, हु इज अ टीचर लिखकर हम टीचर अंकल के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहे, तो ये भी सही हो गया। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके एक ही अंकल है तो वो उनके लिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखेगा, कोई ऐसा पर्सन जिसके अंकल कहीं है उनमें से एक की बात उसे करनी है तो वो डिफाइनिंग क्लॉज लिखेगा, तो ये दोनों ही सही है। अब आते तीसरे पे, यहाँ पे एंटीसीडेंट है माई फादर, अब माई फादर हुई टीचर गेव मी दिस वॉच, तो हमने फादर के लिए यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज लिख दी, तो इसका मतलब क्या निकला कि मेरे पिताजी जो कि टीचर हैं उन्होंने मुझे वॉच दी है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि पिताजी कई होंगे लेकिन उनमें से जो टीचर हैं उन्होंने ये दी है वॉच, दूसरों ने नहीं दी, तो ये तो गलत हो गया, पिताजी तो एक ही होते हैं, पिताजी तो बहुत नहीं होते हैं, भाई कई हो सकते हैं, पड़ोसी कई हो सकते हैं, दुश्मन कई हो सकते हैं, दोस्त कई हो सकते हैं, अंकल कई हो सकते हैं, पिताजी तो एक ही होते हैं, तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी चाहिए, डिफाइनिंग गलत लिख दी, तो ये फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। माई फादर गेव मी दिस वॉच,
मेरे पिताजी ने मुझे वॉच दी है, हु इज अ टीचर, जो कि एक टीचर है, जो कि एक टीचर है, तो ये पिताजी के बारे में एडिशनल जानकारी है। हु इज अ टीचर लिखकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि कौन से वाले पिताजी, हु इज अ टीचर लिखकर हम पिताजी कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है तो आप नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखिए। चलो, तो कुल मिला के जो हमने फोर सेंटेंसेस लिखे हैं, इन फोर सेंटेंसेस में से थर्ड सेंटेंस जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। अभी जो मैंने आपको समझाया है, ये सबको समझ में आ गया? हाँ ना करके जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या, एंटीसीडेंट क्या, डिफाइनिंग क्लॉज क्या, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या, ये सब समझ में आ गया? जल्दी से यस नो कमेंट करो, फिर आगे बढ़े। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जितनी हमने मेहनत करी है ना, आ जाओ इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सारे बच्चे समझना, यहां पर ये जो हमने लिखा ना, विच इज माय होम, दैट इज अ हाउस वाइफ विच वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। ये जो लिखी गई है, हमारी तीनों क्लॉजेस हैं रिलेटिव क्लॉजेस, इनका एंटीसीडेंट देखो कौन है। यहां पे एंटीसीडेंट है दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली को आपको क्या बताना पड़ेगा, कौन सी वाली दिल्ली? दिल्ली तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कई दिल्ली और हमें बताना हो कि वो वाली दिल्ली, तो ऐसा तो है नहीं, दिल्ली तो एक ही है। तो यहां पे हमें क्लॉज लिखनी पड़ेगी नॉन डिफाइनिंग। कैसी क्लॉज लिखनी पड़ेगी? नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। फिर यहां पे हमने लिखा माय मदर, तो क्या हमें बताना पड़ेगा कौन सी मदर? ऐसा तो नहीं बताना पड़ेगा, मदर तो एक ही होती है, तो हमें आइडेंटिफाई तो नहीं करवाना पड़ेगा कौन से वाली मदर, माई मदर से तो पता ही चल गया मेरी माँ। तो यहाँ पे हमें नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा हिज लास्ट नॉवल, तो क्या हमें बताना पड़ेगा कौन सी वाली लास्ट नॉवल? अगर यहाँ पे लास्ट वर्ड ना लिखा होता, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट वर्ड नहीं लिखा होता, केवल इतना लिखा होता हिज नॉवल विच वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट, कि उसकी वो नॉवेल जो ट्रू इवेंट पे बेस्ड थी, तो हम डिफाइनिंग क्लॉज लिखते हैं, भाई कौन से वाली नॉवेल को अवार्ड्स मिले जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड थी वो वाली, तो हम डिफाइनिंग क्लॉज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब लास्ट नॉवेल लिख दिया तो लास्ट से तो पता ही चल गया, लास्ट नॉवेल तो एक ही होती है, ऐसा तो नहीं होता बहुत सी लास्ट नॉवेल होती है, कौन से वाली लास्ट नॉवेल? तो लास्ट नॉवेल जो भी होगी वो कोई एक ही होगी। तो अगर यहाँ पे लास्ट वर्ड नहीं लिखा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट वर्ड नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ पे माई मदर एंटीसीडेंट है, तो अगर यहां पे लास्ट वर्ड नहीं लिखा होता तो हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज कर लेते हैं। लेकिन लास्ट लिखा है तो अब डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत से तो लास्ट नॉवेल्स होती नहीं है, लास्ट नॉवेल जो भी होगी वो कोई एक ही होगी, तो आप उसको डिफाइन तो कर नहीं पाओगे क्योंकि वो एक ही है, तो यहां पे भी हमें नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के एक चीज हमें क्लियर करनी है कि इन तीनों सेंटेंसेस में हमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस ही चाहिए, डिफाइनिंग किसी में नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें तीनों में नॉन डिफाइनिंग क्लॉज चाहिए, तीनों में, तो पहले तो कॉमाज लगाओ, फिर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज चाहिए तो कॉमा लगाओ, ठीक है। इसमें कॉमा पहले से लगे हुए, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होती है ना बच्चे, इनमें दैट का यूज नहीं होता, दैट केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस में यूज होता है, ध्यान रखना। तो तीनों ही गलत थे, तीनों ही गलत थे, तीनों ही सही करने थे। ये दोनों क्यों गलत थे? कि इनमें कॉमाज नहीं यूज हो रहे थे, तो इनमें कॉमा यूज करने पड़े सही करने के लिए। तो ये दोनों में मिस्टेक क्या थी? कि हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी थी लेकिन हमने कॉमा नहीं लगाया था, तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कॉमा के साथ लिखी जाती, तो ये सही हो गए दोनों। इसमें क्या समस्या थी? कॉमा तो लगाया था लेकिन जो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो केवल और केवल उन्हीं क्लॉजेस में यूज होता है जो नॉन डिफाइनिंग हो, ठीक है। That जो हमारा है वो केवल उन्हीं क्लॉजेस में यूज होता है जो डिफाइनिंग हो, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में दैट का यूज नहीं होता, तो ये जो दैट है इसकी जगह हो लेगा। तो अब आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, क्या? कि अगर हमारी क्लॉज जो है डिफाइनिंग है, अगर हमारी क्लॉज नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज,
ठीक है। तो अगर हमारी क्लॉज जो है वो नॉन डिफाइनिंग है, तो नॉन डिफाइनिंग है तो हम उसमें हु लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, विच लिख सकते हैं। अगर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है तो हु लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, विच लिख सकते हैं और दैट लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो बाकी तीनों हमारे डिटर्मिनर्स हैं, डिटर्मिनर बता रहा हूँ, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे हु है, होम है, विच है, इनका तो यूज हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग किसी में कर सकते हैं, किसी में भी करो इनका यूज, ठीक है। लेकिन जो दैट है वो केवल डिफाइनिंग क्लॉज में यूज होगा, नॉन डिफाइनिंग में नहीं यूज होगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस में यूज होगा, नॉन डिफाइनिंग में नहीं। तो ये तीनों ही गलत है। ठीक है, यहां तक कुछ मसला क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन हु यू हेल्प देयर lives in Agra. The man whom helped you there lives in Agra. Tisra. The man whose son you helped there lives in Agra. Fourth, the man whom son helped you there lives in Agra. चलो भाई आंसर बताओ। ये सारे सेंटेंसेस पढ़िए, इनको समझिए और इनमें कोई गड़बड़ नजर आए तो आंसर बताइए, सभी लोग बताइए। ठीक है, ये जो हमने रिलेटिव क्लॉजेस लिखी हैं, एक बार इनको सभी लोग ध्यान से देखें। ठीक है, अभी हमने रिलेटिव क्लॉजेस लिखी, चलो पहचान में आ गई। जो हमने अंडरलाइन किया है वो रिलेटिव क्लॉज है, और बाकी जो अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है, वो सब का सब क्या है, सब क्या क्या है, बाकी सब एंटी मेन क्लॉज है। द मैन लिव्स इन आगरा, द मैन लिव्स इन आगरा, वो मेन क्लॉज है, बाकी सब रिलेटिव क्लॉज है। अब रिलेटिव क्लॉजेस को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी इसमें वर्ब हमने यूज किया हेल्प्ड, यहाँ पर भी वर्ब यूज किया हेल्प्ड, यहाँ पर भी वर्ब यूज किया हेल्प्ड, यहाँ पर भी वर्ब यूज किया हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प्ड और के बाद में हमने यू को लिखा, तो यू इस वर्ब में सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू को पहले लिखा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बाद में लिखा ना, यहाँ पे यू को बाद में लिखा तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू को पहले लिखा तो ये सब्जेक्ट है। अगर ये यू सब्जेक्ट है तो देयर जो है वो एडवर्ब है, ये भी बता दूँ, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब सब बता रहे हैं तो इसको भी बता ही देते हैं कि देयर जो है वो एडवर्ब प्लेस है। अब ये जो हमने हु लिखा है और ये जो होम वगैरह हमने लिखे हैं, ध्यान से देखना, ये जो हु है, अगर हमने यहाँ पर यू को एज ए सब्जेक्ट लिखा है तो ये जो होम हु हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर हमने यू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के लिखा तो जो हु है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए।
भाई ऐसे होना चाहिए ना। अब देखो अगर ये हु जो है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तब तो गलत लिखा, ऑब्जेक्ट तो हु होता नहीं, ऑब्जेक्ट तो हुम होता है, तो यहाँ पे लिखो हुम, ठीक है। अगर यहाँ पे जो हमने हुम लिखा ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो फिर तो गलत लिखा हुआ, फिर तो ये हु होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट तो हु होता है, तो ये सही हो गया। तो ये तो वही तरीका हो गया कि भाई देख लो सेंटेंस में आपको किसकी जरूरत है, आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है तो हु लिखे, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हुम लिखे, हो गया क्लियर। अब आ गया जो यहां पर क्या है, आप देखोगे जो हमने सन लिखा ये नाउन है, अब अगर यू सब्जेक्ट है तो ये जो हमने सन लिखा है ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये जो सन है ये ऑब्जेक्ट हो गया हेल्प्ड वर्ब का, यहां पर ये सन जो है वो सब्जेक्ट हो गया हेल्प्ड वर्ब का। तो अगर सब्जेक्ट यहां पे सन हो गया तो हमने सन नाउन के साथ में ये हु प्रोनाउन क्यों लिख रखा है, ये हुम प्रोनाउन क्यों लिख रखा है? भाई प्रोनाउन तो हम तब लिखते हैं जब हमारे पास नाउन ना लिखा हो, भाई प्रोनाउन का यूज नाउन की जगह पे यूज होता है, लेकिन यहां तो हमने नाउन लिख ही रखा है, तो अगर हमने नाउन लिख रखा है तो फिर ये हु और हुम क्यों लिखे, ठीक है। तो ये गलत है। अब कैसे आप इसको सही करोगे, तो सही करने का तरीका है कि इसको डिटर्मिनर बना दो, सन नाउन है तो नाउन के साथ में आप प्रोनाउन तो लिख नहीं सकते तो डिटर्मिनर बना दो। अब डिटर्मिनर बनाओगे तो रिलेटिव डिटर्मिनर होता है हुज, तो यहां लिखो हुज और यहां भी लिखो हुज, तो ये हमारा आंसर हो गया। द मैन हुज सन यू हेल्प देयर लिव्स इन आगरा, द मैन हुज सन हेल्प यू देयर लिव्स इन आगरा। तुम क्या कर रही हो बेटा, डोंट डिस्टर्ब वाइल पीपल आर रीडिंग, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखना कि हु हुम तो ठीक है आपको समझ में आ गया, विच दैट समझ में आ गया, हुज भी समझ लो, हुज हमारा डिटरमिनर होता है, हुज होता है रिलेटिव डिटरमिनर। तो ये जो हुज है ना बच्चे, हुज ये हुज नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, ये होता है रिलेटिव डिटरमिनर। पजेशन के लिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा द मैन सन हुज सन, तो हुज का रिप्लाई गया ऑफ द मैन, तो ये जो हमने यहाँ पर हुज लिखा ये हमारा डिटरमिनर। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप हु हुम लिखिए पर्सन के लिए, लेकिन अगर कभी किसी पर्सन के पजेशन की बात करनी हो तो फिर हुज लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हु हुम के साथ में अपने हुज भी समझ लिया। अभी जो हुज हमने समझाया ना इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात आज और डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है द सिंगर हुज सॉन्ग यू वर सिंगिंग इज My friend, ठीक है। दूसरा हमने लिखा The song whose singer is your friend is my favorite song, ठीक है। अब यहां पे आप इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार पढ़िए और समझिए। ठीक है, चल अब देखो सीखना, सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो हमने लिखा ना हुज सॉन्ग यू वर सिंगिंग, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रिलेटिव डिटरमिनर यूज किया, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमने लिखा हुज सिंगर इज योर फ्रेंड, ये भी हमारी रिलेटिव क्लॉज है।
अब आपको समझना यह है कि यहां पर हमने डिटरमिनेंट लिखा हुज सिंगर के लिए, सिंगर नाउन है और उसके लिए हमने डिटरमिनेंट लिखा हुज। यहां पर सॉन्ग नाउन है और उसके लिए हमने डिटरमिनेंट लिखा हुज। तो चाहे हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करें, चाहे होम यूज करें, चाहे हुज यूज करें, उनका कोई ना कोई एंटीसेंट जरूर होता है। जब आप कोई रिलेटिव क्लॉज लिखते हो ना तो उसका एंटीसेंट होता जरूर है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एंटीसेंट कौन है, द सॉन्ग। ठीक है, यहां पर एंटीसेंट कौन है, द सिंगर। ठीक, तो अब आप देखिएगा कि जो हमने होम लिखा वो हमने किसके लिए लिखा है, यहां पर हुज, हुज यहां पर हमने किसके लिए लिखा, सिंगर के लिए। यहां पर हुज हमने किसके लिए लिखा, सॉन्ग के लिए। ठीक है, ऐसे है ना। अब देखो ये जो बच्चे हम लिखते हैं, जैसे हमने हु लिखा, हुम लिखा, ठीक है, हुज लिखा, तो ये जो तीनों प्रोनाउंस है ना, ये हम यूज करते हैं पर्संस के लिए। इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, पर्संस के लिए नहीं, इनका यूज हम करते हैं पर्संस के लिए। ठीक है, अगर पर्सन सब्जेक्ट है तो हम हु लिखेंगे, अगर पर्सन ऑब्जेक्ट है तो हम हुम लिखेंगे, और अगर हमें पर्सन के पजेशन को रेफर करना है, पजेसिव केस का डिटरमिनेंट चाहिए, तो हम हुज लिखेंगे। तो कहने का मतलब चाहे हम हु लिखें, चाहे हुम लिखें, चाहे हम हुज लिखें, ये हम पर्सन के लिए लिखते हैं। और अगर मान लो पर्सन नहीं हो, थिंग हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, थिंग्स के लिए। तो थिंग्स के लिए हम विच का यूज कर लेंगे, दैट का भी कर सकते हैं, लेकिन दैट को भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो दोनों के लिए यूज आता है। तो हम थिंग्स के लिए क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे। ठीक है, अब विच का यूज आप एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हो, आप एज एन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, चाहे इसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर लो, चाहे एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लो, ये दोनों तरीके से ठीक है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन अगर पजेसिव केस की जरूरत हो तब क्या करोगे, तो पजेसिव केस के लिए आप हुज नहीं यूज कर सकते, हुज पर्सन के लिए यूज होता है, तो हम ऑफ विच, ठीक है, ऑफ विच का यूज करते हैं। तो ऑफ विच जो है ये थिंग्स के लिए यूज होने वाला पजेसिव केस है। जैसे आप सबने शायद पहले से पढ़ रखा होगा या जानते होगे इस बात को कि जो पजेसिव केस होता है अपोस्ट्रोफी वाला, उसका यूज हम पर्संस के लिए करते हैं, थिंग्स के लिए नहीं करते। वही बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है, ये जो हुज है इसका यूज पर्सन के लिए करना है, थिंग्स के लिए ऑफ विच का यूज करना चाहिए। तो हुज जो है वो पजेसिव डिटरमिनर है, लेकिन किसके लिए, पर्संस के लिए, अगर एंटीसेंट कोई पर्सन है, अगर एंटीसेंट थिंग है तब नहीं उसका यूज करना। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो, ये जो आपने हुज यूज किया है, ये आपने किसके लिए यूज किया, सिंगर के लिए। ये आपने हुज किसके लिए यूज किया, सॉन्ग के लिए। ठीक है, सिंगर क्या है, पर्सन है, सॉन्ग क्या है, थिंग है, ऐसे है ना। तो अब जब आपको पता चल गया कि ये थिंग है वो पर्सन है, तो पर्सन के लिए जो आपने हुज यूज किया वो सही है, थिंग के लिए जो क्या गलत है, तो इसको ऐसे लिखो, द सॉन्ग द सिंगर ऑफ विच तो इसको लिखो द सॉन्ग द सिंगर ऑफ विच इज योर फ्रेंड इज माई फेवरेट वन। तो ये जो हुज और ऑफ विच है इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो थिंग्स होते हैं उनके साथ में ऑफ विच का यूज कीजिए, हुज का यूज उनके लिए ना करें। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। चलो अब यही बात मैं लास्ट में आपको एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। मान लो हमने लिखा यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा, द ड्राइवर हुज कार, और बी मैंने लिखा द कार Whose driver? तो ये जो हमने दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, ठीक है, द ड्राइवर हुज कार और हमने लिखा द कार हुज ड्राइवर, तो यहां पर आप देखोगे ये जो हमने हुज यूज किया है, हमने किसके लिए यूज किया, ड्राइवर के लिए यूज किया। ड्राइवर क्या है, पर्सन है, तो ये हुज सही लिखा हुआ है, द ड्राइवर हुज कार। यहां पर ये जो हुज हमने यूज किया वो किसके लिए यूज किया, कार के लिए यूज किया। कार पर्सन नहीं है, थिंग है, तो ये हुज गलत हो गया। ठीक है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा द ड्राइवर ऑफ विच, द कार द ड्राइवर ऑफ विच। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा पॉइंट में और आपको समझा देता हूं। रिलेटिव
क्लॉजेस थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो पूरा तो अगली क्लास में कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन अगले क्लास में कंप्लीट हो जाए, अधूरा ना छूटे, कम से कम इतनी आज हम मेहनत कर लेते हैं। तो मैं आपके दो मिनट और लूंगा, एक छोटा सा पॉइंट बताना है, ऐसे थ्योरी टाइप पॉइंट है, उसको ध्यान रख लीजिएगा अपना। हमने एक सेंटेंस लिखा, अब आप यहां पे देखोगे कि हु मेट यू देयर, ठीक है, हुम यू मेट देयर, ये जो दोनों क्लॉजेस हमने लिखी ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस हैं। कोई भी आदमी नहीं, वो वाला आदमी जिससे तुम वहां मिले, तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, और ये भी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। तो ये हमारी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस हैं, ऐसे है ना। अब इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस में अगर थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये जो मेट है ये वर्ब है, देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यू जो है वो वर्ब का सब्जेक्ट है, होम जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर मेट वर्ब है, यू वर्ब का ऑब्जेक्ट है, देयर एडवर्ब है, और हु जो है वो सब्जेक्ट, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया, बाकी जो अंडरलाइन नहीं किया गया वो मेन क्लॉज है। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं हमारी, ठीक है, अगर हम कोई डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखें और उसका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको ऑमिट भी कर सकते हैं। मतलब इस हु को अगर हम ना भी लिखें ये तब भी सही है, लिखा है तब भी सही है, तब तो है ही सही, लेकिन ना लिखें तब भी सही है। तो ये कि छोटा सा पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि अगर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, अगर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको ऑमिट भी कर सकते हैं, बाकी में हमेशा लिखना पड़ता है। तो जैसे हमने लिखा द मैन हु मेट यू देयर इज अ फार्मर, तो उसमें हु का लिखना कंपलसरी है, आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। सेकंड में हम हुम को ड्रॉप कर सकते हैं, द मैन यू मेट देयर इज अ फार्मर। तो ये कि थ्योरी टाइप पॉइंट है, इसको अपना ध्यान रखेंगे, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस को समझने में, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि दोबारा मैं ये क्वेश्चन लिखकर एक्सप्लेन नहीं करके नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ में आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं, बाकी कोई छोटा मोटा डाउट है तो सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें भी हम रिलेटिव क्लॉजेस का ही डिस्कशन करेंगे, बड़ा कॉन्सेप्ट है तो कवर नहीं हो पाया आज पूरा, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम डाउट ऑफ प्रैक्टिस क्लास रखेंगे। आज के लिए फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, बाय बाय।